सो हेलो एवरी वन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज ये व्लॉग होने वाला है जो मेरे तीन फ्लैटमेट्स थे, तो आज उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। आज 27 जनवरी है, तो आज वो वापस जा रहे हैं। मतलब वो पिछले साल आए थे यहाँ पे जैन में, तो उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो उनमें से दो तो इंडियन है और एक नाइजीरिया से है। तो एक तो जो इंडियन है वो जा रहा है वापस इंडिया, वो कर्नाटका से है। आज उसकी फ्लाइट है, तो अभी बज रखे हैं सुबह के 6:30, और मैं अभी एक तरह से लास्ट टाइम पे गुड बाय बोलने के लिए उसको आज जल्दी उठाऊं। ब्रो से फाइनल गुड बाय टू योर रैबिट होल। ही इज रेडी गाइस। बाय ब्रो। बाय ब्रो। तो कश्यप तो चला गया है इंडिया, अब वो नहीं आएगा वापस। तो अब जब भी मैं इंडिया जाऊंगा तो तब कभी मिलना होगा। इतना सारा सामान। वो जो कीज है उनका क्या करना है? जो कश्यप ने मुझे कीज दी थी उसको रिसेप्शन पे देना था। तो, मतलब देनी है मंडे को, तो उनको बोलना क्या है? ओके तुम अभी दे सकते हो। ओके उनको यही बोलना है कि लाइक वो कश्यप का यूआरएन पता है? नो। अच्छा वो भी बताना है? मेरे पास है, आई विल सेंड यू। ओके ब्रो, यू आर नॉट गोइंग? आई वॉन्ट टू लिव पीसफुली। कितना सारा सामान। गर्ल्स बीइंग गर्ल्स, बिकॉज आई एम शूटिंग। कैब भी आ चुकी है। You're done. Thank you. Bye. So second flatmate Shrij भी गई। तो मेरी तरफ से Shrij और कश्यप, जब भी ये vlog देखोगे, दोनों के लिए all the best for your future. And अभी बस ओकाफो बचा है, वो शायद कल तक चला जाएगा। और गाइज आप सब भी इन सब को गुड लक विश कर देना कमेंट्स बॉक्स में प्लीज। तो कश्यप मेरे को अपने रूम की कीज देके चला गया था सुबह सुबह, तो तब तक मैनर पार्क रिसेप्शन ओपन नहीं हुआ था, तो अभी मैं वहाँ पे कीज देने के लिए जा रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज मूव आउट हो रहे हैं अपने अकोमोडेशन से। सुबह वैसे ही इतनी ठंड नहीं थी, अभी ठंड बढ़ गई फिर से, टेम्परेचर डाउन है। तो यहाँ पे जो ये तीन रूम्स है ना, यहाँ पे तो वो लोग रह रहे हैं जो सितंबर में आए थे, सितंबर 2023 में। और जो ये वाले इस साइड के तीन रूम्स हैं, इनमें ये आए थे यहाँ पे जनवरी 2023 में। तो इनका पूरा एक साल कंप्लीट हो गया है यहाँ पे रहने का, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया इसलिए आज ये चले गए हैं। और बाकी इनका कोर्स भी कंप्लीट हो गया इसके लिए। अब इन तीन रूम्स में यहाँ पे अब कोई तीन नए आएंगे, अब देखते हैं कौन आता है यहाँ पे। किसी भी कंट्री से आ सकते हैं और इंडिया से भी हो सकते हैं। तो मेरे को चाहिए कि अगर कोई इंडिया से आए तो कोई नॉर्थ इंडिया से आ जाए, कम से कम खाना तो मिल जाएगा बढ़िया। तो ये था कश्यप का रूम, खाली पूरा। और ये Shrij का खाली। तो अभी मैं एक तरह से यहाँ पे पूरा अकेला ही मान लो, जब तक वो तीन जो लोग हैं वो नए आते नहीं,
क्योंकि जो दो और यहाँ पे लड़कियां रह रही हैं वो मतलब बात नहीं करती हैं कितना इसी इतना किसी से, अपने रूम में ही रहते हैं मोस्टली। वैसे मेरे को पता है वो दोनों तो करेंगे नहीं याद, बट जितना भी हमने साथ में टाइम बिताया है, मेनली मैंने जो ओकाफो के साथ और कश्यप के साथ टाइम बिताया है, हम एक साथ यहाँ पे फुटबॉल खेलते थे किचन में या कॉरिडोर में, और साथ में हमने काफी बार कुकिंग भी करी है, एक साथ काफी कुछ बनाया भी है। तो वो जो टाइम था वो हम साथ में फन करते थे, एंजॉय करते थे, तो मैं तो काफी मिस करूंगा सच में। कुछ दिन तो एटलीस्ट मेरे को याद आएगा। और किसी से मिलूं ना मिलूं, बट कश्यप से जरूर मिलना चाहूंगा इन फ्यूचर। तो आज के व्लॉग में इतना ही। तो जैसे आज वो सब गए हैं वैसे ही मेरा भी जल्दी नंबर आएगा अगस्त के लास्ट तक जाने का। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।